अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ब्रिज ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने विंडोज में किस तरीके से एक क्लिक के साथ तमाम ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके विंडो में तमाम ड्राइवर जो कि रिक्वायर्ड है, अभी इंस्टॉल नहीं हुए, उनको स्कैन करके सामने ले आता है। आपने सिर्फ एक क्लिक करके उन सबको इंस्टॉल करते जाना है। ये बहुत ही आसान तरीका है, मैं खुद इसको इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि जब भी हम नई विंडो करते हैं तो हमें यही परेशानी पड़ जाती है कि किस तरीके से अब हम ड्राइवर्स को मैनेज करें, कौन कौन से ड्राइवर रहते हैं हमें नहीं पता लगता। तो आज मैं आपके लिए ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आया हूं जो कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम है स्लिम ड्राइवर्स, और इसको मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। और क्योंकि मुझे भी बहुत परेशानी होती थी जब भी नई विंडो करना, उसके बाद डिवाइस मैनेजर में जाके पंगे लेते रहना कि कौन सा रहता है, कौन सा नहीं हो रहा, यार ये हो नहीं रहा, यार इसको क्या प्रॉब्लम हो गई, ये इस तरह, मतलब कई मसले इस तरह के रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको डाउनलोड करना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस बात का पता लगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ले जाता हूँ उस साइट पर जहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल करना है। फाइल हिपो सबसे अच्छी मुझे साइट लगती है, जहाँ पर आसानी के साथ आपका जो ड्राइवर है वो आपको इंस्टॉल मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लिम ड्राइवर्स, ये देखें यहाँ पर फाइल हिपो की ऑप्शन आ जाएगी, ये वाली, ये मैंने ऑलरेडी इसको सेलेक्ट किया हुआ है। इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस साइट पर आ जाएंगे। यहाँ से आपने डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन इसका कर लेना है। अब ये यहाँ पर इसका डाउनलोड जो ऑप्शन है IDM की, वो पॉपअप हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया हुआ है, ये बहुत कम 4 MB के करीब, ये देखें मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसके, इसलिए ये एरर आ रहा है। आप इसको जब इंस्टॉल करेंगे तो 4 MB के करीब इसका साइज है, बहुत कम साइज है, और ये बहुत अच्छी आपको सर्विस दे रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको रन करना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए इसका जो आइकन है वो डेस्कटॉप पर आया हुआ है, ये स्लिम ड्राइवर्स, ठीक है। इसको आपने डबल क्लिक कर लेना है, और इसका जब ये इसका यस करके इसका इंटरफेस जो है होम पेज इसका ओपन हो जाएगा। ये देखें, अब यहाँ जब ये इसका होम पेज ओपन हो जाए, आपने यहाँ से स्टार्ट स्कैन पे आपने क्लिक कर देना है। ये स्कैन कर रहा है कि कौन से ड्राइवर्स रिक्वायर्ड हैं अभी आपकी विंडो के लिए। मैंने जो अहम ड्राइवर्स हैं उनको इंस्टॉल कर लिया हुआ है, इसलिए जो अब ड्राइवर सामने आएंगे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखें यहाँ पर अब लिखा हुआ है सिस्टम डिवाइसेस, ठीक है, ये वाले जो ड्राइवर्स हैं ये वाले अभी इंस्टॉल नहीं है मेरे इस लैपटॉप में। और यहाँ पर इनके बिल्कुल एंड पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड अपडेट। अब अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह ये देखिए, मैं अब ये अब एक ड्राइवर है, इसको मैं डाउनलोड क्लिक करने लगा हूँ। ये देखिए, डू यू वांट टू क्रिएट अ डिस्टोर बिफोर कंटिन्यू, यस। अब ये देखें, बैकअप डिवाइस प्लीज वेट, ठीक है। अब ये इस तरीके से ये डाउनलोड अब हो रहा है। इसको मैंने स्टार्ट में नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए इसको स्टार्ट कर दिया है। अब ये इस तरह डाउनलोड होता रहेगा, ये देखें ऊपर डाउनलोडिंग हो रहा है, प्लीज वेट डाउनलोडिंग, ये डाउनलोड हो रहा है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। इस तरीके से आप अपने तमाम ड्राइवर्स को ऑल इन वन प्लेस पे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो ड्राइवर्स, ऑडियो ड्राइवर, जो जब हम नई विंडो करते हैं तो नहीं, एक डिफॉल्ट इंस्टॉल होते हैं, उनका कोई फायदा नहीं होता है, हमें उनको नए तरीके से इंस्टॉल करना पड़ता है, वो ये ड्राइवर खुद कर लेगा। आपने सिर्फ यहाँ पर डाउनलोड अपडेट पर क्लिक कर देना है, बाकी काम उसका है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।